गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश क्लास। नाउ वी आर स्टडिंग चैप्टर 2.1 ऑफ यूनिट 2 इन योर इंग्लिश लिटरेचर बुक, दैट इज अबाउट द टॉपिक द कैट फैमिली ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टूडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। So students, let's open page number 37 in your English literature book and start read from the top of the page. But over the years, large numbers of tigers have been killed. But सालों से बहुत सारे tigers को kill कर दिया गया है, मार दिया गया है. People hunted them for sport and kept their heads as trophies. Trophies means objects kept to show that you were successful in something, especially hunting or war. Trophies means ऐसा कुछ objects है जिससे show किया जाता है कि आप किसी भी thing में successful बन गए हो, especially hunting or war में. Okay? So पीपल टाइगर्स को हंट करना स्टार्ट कर दिए थे स्पोर्ट के लिए, और टाइगर्स का जो हेड्स है उससे ट्रॉफीज बनाने के लिए. देयर वॉज ऑल्सो अ मिथ अबाउट टाइगर स्किन्स हैविंग मैजिकल पावर्स ऑफ क्यूरिंग मेनी डिजीजेस. मिथ मीन्स समथिंग दैट मेनी पीपल बिलीव बट इज फॉल्स. ऐसा कुछ है जो बहुत लोग बिलीव करते हैं बट वो फॉल्स होता है. ठीक है, टाइगर्स को लेकर कुछ मिथ्स भी है ना. जैसे कि टाइगर का जो स्किन है ना, टाइगर का जो स्किन है उसमें एक मैजिकल पावर है जो कि बहुत सारी डिजीज को क्योर कर सकते हैं. ओके, टाइगर का जो स्किन है उसको लेकर ये मिथ है कि टाइगर के स्किन में एक मैजिकल पावर है जो बहुत सारे डिजीजेस को ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं. ओके, अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो टूक देयर टॉल ऑन टाइगर्स. ओके, अर्बनाइजेशन मीन्स मोर एंड मोर पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज रादर देन इन विलेजेस. ओके, जब ज्यादा लोग गांवों से आकर टाउन और सिटीज में रहना स्टार्ट कर देते हैं उसको अर्बनाइजेशन बोला जाता है. ठीक है, जब आधा से ज्यादा लोग गांवों से आकर टाउन या सिटीज में रहना स्टार्ट कर देते हैं उसको अर्बनाइजेशन बोला जाता है. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन एंड डिस्ट्रॉइंग ऑल ट्रीज इन एन एरिया. डिफॉरेस्टेशन का मतलब है किसी एरिया में सारे ट्रीज को काट देना या डिस्ट्रॉय करना होता है. ठीक है, टूक देयर टोल मीन्स डीड अ लॉट ऑफ डैमेज और हर्म, बहुत नुकसान कर देना होता है. ओके, सो अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन के लिए टाइगर्स का बहुत हर्म हो गया है, बहुत डैमेज हो गया है ना. डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन की वजह से टाइगर्स का जो होम है, जो लिविंग सिस्टम है वो बहुत ही खराब हो गया है. क्योंकि डिफॉरेस्टेशन अर्बनाइजेशन में पेड़ को लोग काट देते हैं है ना, तो इसीलिए टाइगर्स का जो रहने के लिए जो जगह है, जो होम है वो नहीं रहता है. ठीक है, इसीलिए ये डिफॉरेस्टेशन अर्बनाइजेशन टाइगर्स के लिए बहुत ही डैमेज कर दिए है. एज अ रिजल्ट नो टाइगर्स हैव बीन लेफ्ट इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. इसीलिए इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में अभी टाइगर्स नहीं रहता है. डू यू नो द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल. आप जानते हो टाइगर
हमारा नेशनल एनिमल है। आप जानते हो टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है? इज दैट द वे टू ट्रीट आवर नेशनल एनिमल? हम हमारे नेशनल एनिमल को ऐसे ट्रीट करते हैं क्या? जस्ट थिंक एंड डिसाइड व्हाट वी शुड डू। जस्ट सोचो और डिसाइड करो कि टाइगर्स के लिए हमको अभी क्या करना चाहिए। ओके, लायंस आर लार्ज वाइल्ड कैट्स। लायंस लार्ज वाइल्ड कैट्स है। ओके, दे आर टॉनी कलर्ड। ओके, टॉनी मीन्स ब्राउनिश योलो। ओके, लायन का जो कलर है वो है ब्राउनिश योलो। एन एडल्ट मेल वीज अबाउट 180 kg एंड मेजर्स अबाउट 9 feet फ्रॉम नोज टू टेल। एक एडल्ट मेल लायन का वेट है लगभग 180 kg और लेंथ नोज से टेल तक लगभग 9 feet। द इंडियन लायन डिफर्स फ्रॉम द अफ्रीकन लायन इन दैट इट हैज नो मेन। ओके, मेन मीन्स लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ अ हॉर्स और अ लायन। लायन या हॉर्स के नेक में जो लॉन्ग हेयर रहता है उसको बोला जाता है मेन। सो इंडियन लायंस अफ्रीकन लायन से डिफरेंट है क्योंकि इंडिया का जो लायंस है उसके नेक में लॉन्ग हेयर नहीं रहता है या मेन नहीं रहता है जो अफ्रीकन लायंस में रहता है। बट अनलाइक द अफ्रीकन लायन इट हैज अ टफ्ट ऑफ हेयर ऑन इट्स एल्बोज एट द एंड ऑफ इट्स टेल एंड ऑन इट्स बेली। बट अफ्रीकन लायन जैसे इंडियन लायन के एल्बोज में बाल रहता है ना, टेल के एंडिंग में बाल रहता है और बेली में भी बाल रहता है। ठीक है, लायंस यूजुअली लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड्स। लायंस यूजुअली एक ग्रुप में रहते हैं जिसको प्राइड्स बोला जाता है। अ प्राइड हैज वन मेल सेवरल फीमेल्स एंड ऑल देयर कब्स। एक प्राइड में एक मेल लायन रहता है, कुछ फीमेल्स लायंस रहती है और उसके बेबीज भी रहता है। लायंस ऑफन हंट एज अ टीम। लायंस टीम बनाकर या ग्रुप बनाकर हंट करता है। द अदर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैट्स लव टू हंट अलोन। बट अदर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैट्स जो है वो अकेले हंट करना पसंद करता है, जैसे कि टाइगर वो हमेशा अकेले हंट करता है। बट लायंस ग्रुप बनाकर या टीम बनाकर हंट करता है। एट वन टाइम लायंस वेयर क्वाइट कॉमन थ्रू आउट नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। एक टाइम था जब नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे लायंस था, लायन कॉमन था ये सब जगह में। बट नाउ वी हैव वेरी फ्यू लायंस। बट अभी हमारे यहाँ बहुत ही कम लायंस रहता है। दे आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। अभी गुजरात का जो गिर फॉरेस्ट है उधर ही लायन मिलता है। ओके, सो स्टूडेंट्स यू हैव टू स्टडी टू दिस पोर्शन प्रॉपरली। इन द नेक्स्ट क्लास यू विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।